my channel, my happy space and happy Karva Chauth to all the women. So yaar, finally आज मेरा पहला करवा चौथ है. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ और मैंने finally अपनी eyebrow भी बनवा ली है. ना eyebrow पे मेरा face इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, पर finally मैंने करवा लिया है. और मैंने 3 बजे उठकर अपनी सरगी भी खा ली थी और एक ग्लास फुल मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि यार बिना चाय पिए मेरा दिल ही नहीं बनता है. और अगर मैं चाय ना पीऊँ तो सर भी इतना दर्द होता है कि क्या बताऊँ. पहली बात तो आज निरा जली भी है, तो चाय पीना मेरे लिए मस्ट था, क्योंकि बिना पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहना थोड़ा सा हेक्टिक होता है. क्योंकि आपके पास अगर एक बेबी हो, वो भी 11 मंथ का, तो आप समझ ही सकते हो कितना मुश्किल होता है. तो चाय तो मैंने पी ली थी और अभी तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है. अब बस मुझे अद्रिका का ही बचा है, तो उसकी मालिश करना, उसे नहलाना, उसके कपड़े चेंज करना. तो जा रही मैं अब वो सब करने. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो नन्नू पन्नू? नन्नू पन्नू बस. देखा को भी मैंने सलाह दिया था, तो मैंने जो सोचा जल्दी जल्दी से अब मैं तैयार हो जाती हूँ. और आप देख सकते हो मेरे हाथों की मेहंदी. यार मैंने मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रखा, क्योंकि अद्रिका भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, परेशान हो रही थी, तो मुझे इस पर पानी लगाना पड़ा, वरना इसका कलर और ज़्यादा गहरा था. तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, पायल पहन ली है, बिछिया पहन ली है और नेल पेंट भी लगा लिया है. अब बस मुझे अपने पैरों पर आलता लगाना है एंड साड़ी पहननी है और फिर मैं डन. क्योंकि 5 बजे मतलब 5:30 बजे तक हमारे यहाँ पूजा होगी और सारी औरतें आ जाएंगी. और आपको भी पता है कि इंडियन वुमेन को तैयार होने में कितना टाइम लगता है. मेरे हस्बैंड मुझे इतना चढ़ाते हैं कि मतलब अगर तुम कहीं हमें जाना होता ना, तो वो कहते हैं तुम जाओ पहले, अभी से जाके तैयार हो. मतलब वो मुझे 1 घंटे पहले ही बोल देते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि मैं सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ तैयार होने में. तो इसीलिए मैं पहले ही तैयार हो जा रही हूँ, ताकि जब वो लोग आए तो मैं रेडी मिलूँ. तो ये है मेरी साड़ी, मैं अब इसे पहनकर सीधा पूजा में आपसे मिलती हूँ. ये साड़ी पहन के मैं रेडी हो चुकी हूँ और भैया मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको पूरा अपना लुक दिखा सकती, क्योंकि जैसे ही मैं तैयार हूँ तुरंत औरतें भी सारी आ गई थी और मुझे तुरंत हमें पूजा भी स्टार्ट करनी पड़ गई थी. तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको इस लुक में और इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आप लोग. चांद दिखने से पहले करवा चौथ की कथा होती है और कथा का जो टाइम था वो था 5:30 से 6:30 के बीच. तो पहले हमने श्री गौरी गणेश जी की पूजा की, उसके बाद फिर करवा चौथ माता की हमने पूजा की. पूजा के बाद फिर कथा हमने सुनी. ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, फिर हम करवा चौथ माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की और उनके सकुशल होने की कामना करते हैं. ये है मेरी सबसे छोटी ननद जो आज पंडित जी बनी हुई है. मतलब करवा चौथ की कथा वैसे बेसिकली हमें मेरी छोटी पंडित जी हमें सुनाती है. कथा हमने सुन ली है, अब हम 7 बार अपनी थालियाँ फेरेंगे और इसके साथ साथ गीत भी गाया जाता है.
अब हम तुलसी जी में अर्घ डाल रहे हैं और अब जाकर हमारी जो पूजा हुई है वो ख़त्म हुई है और अब बस चांद का वेट करना है और देखते हैं चांद कब निकलता है प्लीज़ यार, क्योंकि वैसे बेसिकली मैंने देखा चांद जल्दी निकल आता है पर आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ है तो देखते हैं चांद कब निकलता है। अभी तक चांद नहीं निकला, वैसे नॉर्मल डेज में देखो तो 6 बजे तक निकल आता है और यार और आज करवा चौथ के टाइम पे यार इतना वो बेहाल कर दिया है, मतलब क्या बताऊँ। वैसे कहा गया था कि 8:16 पे चांद निकल आएगा और अभी टाइम 8:30 से ज़्यादा हो गया है और चांद का कुछ अता पता नहीं है यार, निकल आओ अब तो भूख बहुत लग रही है यार। मेरी ननद ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है और उनका तो बुरा हाल हो रखा है, चक्कर चांद ही नहीं निकल रहा है, इतनी देर हो गई देख देख के कहीं नहीं दिख रहा बिल्कुल। नहीं मैं पूरे दिन रह ली है बट अभी जो 5-10 मिनट है ना उसमें तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा है यार, निकल दो निकाल दो देखते कब तक निकलता। फाइनली 9:30 बजे के बाद चांद निकला है और कहा गया था कि 8:12 पे निकलेगा पर दिल्ली में यार 9:30 बजे के बाद दिखा है, मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या बताऊँ। सो हमारी पूजा अब हो चुकी है, अब मेरे हस्बैंड मुझे पानी और मीठा खिलाएंगे। रात में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी यार, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और फिर डायरेक्ट खाना खा लिया तो उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैं रात में एंड नहीं कर पाई ब्लॉग का, मैं अभी कर रही हूँ। और यार चांद ने सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, मतलब यार मैंने कानपुर में भी बात की, लखनऊ में भी मैंने पूछा कि चांद निकल आया तो वहाँ पर यार टाइम से निकल आया पर दिल्ली में बताओ 9:30 बजे के बाद निकला है, मतलब यार मेरा पहला करवा चौथ है तो चांद ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा। पर कोई नहीं, पर मेरा दिन कल बहुत ही अच्छा स्पेंड हुआ है तो अब मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे भी नहीं हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।